रात थी, इस वजह से दुकानों में कोई था नहीं, जनहानि नहीं हुई है, बस ये राहत की बात है। आगे बढ़ेंगे, खबर अब नूह से। नूह के गांव आलदुका मेंदो, जहां पर आलदुका की खबर है, जहां पर दो दिन पहले अपहरण हुआ और अपहरण हुए बच्चे का संदिग्ध हालात में शव मिला है। इस हालात में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और इस वारदात के बाद से इलाके में डर का भी माहौल है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले 4 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया था। परिजनों का कहना है कि बच्चा खेलते वक्त अचानक से गायब हो गया, काफी ढूंढने के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद सदर नूह में संबंधित जो धाराएं हैं उनके तहत केस दर्ज कराया गया, बच्चे को ढूंढा गया। इस मामले में नूह पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बच्चे की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। पुलिस बच्चे की तलाश में दिन रात लगी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। फिलहाल पुलिस बच्चे के हत्यारे की तलाश में जुट गई है। पहले किडनैप किया गया बच्चे के बारे में कोई सुराग घर वालों को मिला नहीं और फिर अब बच्चे का संदिग्ध हालात में शव मिला है। पुलिस बता रही है कि वो रात दिन बच्चे को ढूंढ रही थी, जगह जगह उसने जानकारी साझा की थी और उसके बावजूद बच्चे के बारे में कोई सुराग मिल नहीं पाया और अब बच्चे का शव मिलने के बाद परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अब इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। 4 साल का एक मासूम बच्चा था जिसे किडनैप कर लिया गया। अब पुलिस घर वालों से ये भी पूछ रही है कि क्या उन्हें किसी पर शक है क्या, या फिर कोई पुरानी रंजिश था क्या जिसके चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो। नूह में ये खबर सामने आई है और बच्चे की मौत के बाद, बच्चे का शव मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और पूरा गांव इस जानकारी के बाद स्तब्ध है, हैरान है। सोनू इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सोनू, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब किडनैप हुआ था बच्चा, कहां से शव मिला, पुलिस की जांच में सामने क्या आया है और परिवार वाले शक किस पर जता रहे हैं? जी बिल्कुल, इसकी जो लापता की खबर थी वो 7 तारीख को सदर थाना लोगों में दी गई थी और उसके बावजूद पुलिस ने भी अपनी छानबीन चालू कर दी थी और कल रात को करीबन 10 बजे पूरे गांव के लिए नाकाबंदी कर पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया था। तो इस बच्चे का शव एक कुंडे के अंदर पानी में डूबा हुआ मिला था। परिवार वाले क्या कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है? जी अभी कुछ नहीं पता जा रहा क्योंकि अभी पुलिस जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि इसके जो लड़के का जो पिता है उसने अभी 1.5 महीने पहले ही शादी की है और कुछ लोगों का कहना है कि शायद जो शादी की है शायद उसका भी इसमें बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बच्चे की हत्या किसने की है। सोनू मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे का पिता है उसने दूसरी शादी की थी और जानकारी के मुताबिक ये कि जो दूसरी पत्नी है उसका या उसके उससे जुड़े हुए लोगों का हाथ इसमें हो सकता है? जी बिल्कुल, शादी के लिए जो लड़के का पिता वो तैयार नहीं था तो परिवार वालों ने जबरदस्ती करके शादी कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई जा रहा है कि जो लड़के जो शादी की थी कहीं उसका हाथ भी इसमें नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस इसमें जांच में जुटी है। अभी कुछ देर क्या पूछताछ हुई है किसी से? अभी पुलिस जांच में जुड़ी है क्योंकि पुलिस काफी पुलिस बल वहाँ पे आलदुका गांव में मौजूद है और जांच में जुड़े अभी बच्चे का शव को भी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखा गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ठीक है सोनू वर्मा, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है, शायद बयान देने में अभी वक्त लगेगा। 4 साल का मासूम बच्चा जिसका संदिग्ध हालात